हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में देखा था कि ताकानो रिस्तों को खींच कर रहा होता है। तब रिस्तों जैसे कैसे करके वहाँ से निकल के अपने घर जाना चाहता था, और रिस्तों जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने युकोसावा खड़ा होता है। और रिस्तों को देखकर युकोसावा उसे पूछता है, तुम इस समय पर यहाँ क्या कर रहे हो? तो ताकानो युकोसावा से कहता है, हमारा थोड़ा काम बाकी था, वही कर रहे थे। तो युकोसावा उससे पूछता है, क्या तुम सीरियस भी हो इस बारे में? अभी रात के 2 बज रहे हैं। तो ताकानो युकोसावा से पूछता है, तुम इस समय पर यहाँ क्या कर रहे हो? तो युकोसावा उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं आ रहा हूँ, और ऐसे तो तुम मुझे मिलने नहीं वाले, और मैं यहाँ तुम पर अटैक करने के लिए आया हूँ। तब ताकानो युकोसावा को अंदर आने के लिए कहता है, और रिस्तो वहाँ से जाने लगता है। तब युकोसावा उसे पूछता है, क्या तुम रो रहे हो? क्योंकि ताकानो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस फील्ड में नए हो या पुराने, क्योंकि जब तक तुम अपना अधूरा काम पूरा नहीं कर लेते तब तक वो तुम पर प्रेशर बनाए रखता है, तो ये रोना धोना छोड़ दो। तब रिस्तो गुस्से से उसे कहने जा रहा होता है कि मैं नहीं रो रहा, पर तब वह ताकानो उन दोनों का आवाज लगा कर पूछता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? पर रिस्तो को भी जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। तब ताकानो रिस्तो से कहता है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। तो रिस्तो उसे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद रिस्तो काफी नर्वस होता है और सोचता है कि युकोसावा इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है, और ताकानो ने उसे घर के अंदर आने क्यों दिया। और रिस्तो युकोसावा की बात को याद करके कहता है कि वो वहाँ अटैक करने के लिए आया है, ये बोलकर मुझे इस बारे में बात कर रहा था। और फिर वो अपने आप से कहता है, मुझे ये सब कुछ सोचना बंद करना होगा और बेहतर है कि मैं अपने काम पर फोकस करूँ। और तब रिस्तो काम करने की कोशिश करता है, पर वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता और नर्वस होते हुए कहता है, उस दिन जहाँ मुझे छुआ था उस जगह मुझे काफी जलन हो रही है और उससे मुझे काफी बेचैनी हो रही है। फिर रिस्तो सोचता है कि इस सब की वजह से मैं अपना काम खत्म नहीं कर पा रहा, और अगर ऐसा मैंने किया तो इस ऑथर की इंसल्ट होगी, क्योंकि इतनी मेहनत से उसने उसका काम खत्म किया है। और रिस्तो फिर से काम पर फोकस करने की कोशिश करता है, और तभी रिस्तो के फोन की घंटी बजती है और उसे लगता है कि ताकानो उनसे फोन कर रहा है, और सोचता मैं फिर से उसके प्यार में पड़ने वाला नहीं हूँ। और रिस्तो ताकानो का फोन नहीं उठाता। दूसरे दिन ऑफिस में रिस्तो को ऑथर का फोन आता है, और वो उसे बताती है कि उसके सारे असिस्टेंट को फ्लू हो गया है, एक हेल्पर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और रिस्तो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो? तब रिस्तो की बात सुनकर ताकानो काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, और उस ऑथर को बताने के लिए कहता है कि जल्दी से जल्दी मैनुस्क्रिप्ट भेज दे। उन लोगों की वजह से रिस्तो फोन पर ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, तो वो गुस्सा होकर उसे कहता है कि सब लोग चुप रहो। तब रिस्तो उसे बताता है कि हमें आज ही इसे प्रिंटर के वहाँ भेजना होगा। और तब वहाँ युकोसावा आता है और ताकानो से कहता है कि मैंने सुना है हमारे एक ऑथर ने काम से ड्रॉप लिया है, क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो तुम्हें उसी वक्त हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में सभी को पता होना चाहिए। और तब ऑथर रिस्तो को बताते हैं कि आज रात तक ये काम खत्म हो जाएगा। तब रिस्तो सोचता है कि पर वो ऑथर दूसरे शहर में रहती थी और वो काफी दूर था, तो रिस्तो सोचता है कि वो वहाँ जाके मैनुस्क्रिप्ट कलेक्ट कर लेगा। और रिस्तो उस बारे में ताकानो और युकोसावा को कहता है कि वो ऑथर के पास जाके मैनुस्क्रिप्ट कलेक्ट कर ले। तब पहले तो ताकानो उसे मना करता है और युकोसावा भी चिल्लाने लगता है, पर रिस्तो के काफी कहने के बाद ताकानो उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है और उसे जल्दी से आने के लिए कहता है। रिस्तो के जाने के बाद युकोसावा ताकानो से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? पर तब ताकानो को रिस्तो पर पूरा भरोसा था कि वो समय पर मैनुस्क्रिप्ट यहाँ पर लेके आ जाएगा। फिर वहाँ जाके रिस्तो उस ऑथर के साथ मिलकर उनका सारा काम खत्म करता है। साथ में मिलकर काम खत्म करते उस ऑथर को देख रिस्तो सोचता है उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, पर फिर भी वो काफी मेहनत कर रही है और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि सारी चीजें मैंने पहले चेक नहीं की थी, सारी बातों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि ताकानो का असिस्टेंट उसे कहता है कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। पर तब ताकानो उनसे माफी मांगते हुए कहता है, क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? तब युकोसावा उसे मना करता है, पर ताकानो उसे कहता है कि थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। तभी वह रिस्तो पहुँच जाता है और उन लोगों से माफी मांगता है देरी से आने के लिए। तब ताकानो उनसे पूछता है कि तुमने सब कुछ चेक कर लिया है कि सब सही से है? तो रिस्तो हाँ कहता है।
तब रिसु योकोजावा और ताकामा से भी माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ क्योंकि मैंने सुपरवाइज नहीं किया था पहले से ही, पर अब ये आगे नहीं होगा। फिर योकोजावा वहाँ से चला जाता है। योकोजावा के जाने के बाद रिसु ताकानो से पूछता है, योकोजावा भी इंतजार कर रहा था तो ताकानो उसे कहता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ताकानो उसे कहता है सभी को ही लगता था कि तुम टाइम पर नहीं आ पाओगे, मुझे पता था कि तुम समय से आ जाओगे क्योंकि जो काम तुम पूरा करना चाहते हो उस समय पर अपना काम तुम पूरा करते हो और उसके लिए तुम काफी मेहनत भी करते हो, इसीलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं हो रही थी। मैं हमेशा से ही तुम्हारे लिए तुम्हारी ये चीज काफी पसंद करता हूँ। और वहाँ से जाते जाते ताकानो रिसु के सिर पर हाथ घुमाते हुए जाता है। तब रिसु सोचता है कि जिस जगह उसने टच किया था वो जगह जल रही है और नर्वस होते हुए कहता है मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए। उसके बाद दिखाया जाता है कि रिसु फ्रेश हो रहा होता है। तब वह उसके पास योकोजावा आता है, उसे देखकर रिसु काफी चौंक जाता है। तब योकोजावा रिसु से कहता है तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो ना क्योंकि तुम्हें पता था कि ताकानो यहाँ पर काम कर रहा है। तब रिसु उसे पूछता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तब योकोजावा रिसु को गुस्से से कहता है तुम्हारी ही गलती है कि वो आज ऐसा है। तो रिसु सोचता है कि क्या मेरी गलती, ये इंसान क्या कह रहा है। तो रिसु उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब योकोजावा उसे जाते जाते कहता है कि सबसे तुम दूर रहो। तब रिसु योकोजावा के पीछे जाता है और तब वो वहाँ ताकानो को देखता है और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रिसु और ताकानो ट्रेन से जा रहे होते हैं। तब वो दोनों काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तब रिसु योकोजावा के बात को लेकर परेशान था और वो जानना चाहता था कि योकोजावा ऐसे क्यों बात कर रहा है, पर मैं इस सब के बारे में ताकानो से कुछ भी नहीं पूछ सकता। और तब रिसु को थोड़ी नींद आ जाती है और वो ताकानो के कंधे पे सिर रख के सो जाता है। दूसरी सुबह दिखाया जाता है कि रिसु जाकर देखता है कि कितना टाइम हुआ है और वो उसके बाजू में ताकानो को देखकर काफी चौंक जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तो ताकानो उसे कहता है कि तुम इतनी सुबह चिल्लाना बंद करो। तब रिसु उसे डरते हुए पूछता है कि ये सब कुछ क्या हुआ। दोनों ऐसे है कि एक पेड़ पर सोए हुए हैं। तब ताकानो उसे कहता है कि तुम ट्रेन में सो गए थे तो तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत है मुझे क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आया। तुम्हें पता भी है तुम कितने भारी हो पर तुम थैंक यू भी नहीं कह रहे। तब रिसु कपड़े पहनते हुए सोचता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तब रिसु ताकानो से पूछता है हम दोनों में ऐसा कुछ वियर्ड हुआ तो नहीं है ना। तो ताकानो उसे कहता है कि तुम वियर्ड कह रहे हो और ताकानो उसे कहता है कि हाँ तुम सोच सकते हो और इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो जब तुम मुझसे प्यार करते हो। ताकानो की ये बात सुनकर रिसु ब्लश करने लगता है। तब रिसु उसे कहता है कि थैंक यू मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए पर दूसरी बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो वहाँ से चला जाता है। और रिसु जाते हुए सोचता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा और मैं आगे उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहता। तब रिसु उसकी कार्ड की ताकानो की तरफ भूल गया था और वो फिर से उसे लेने के लिए जाता है और उसकी सारी चीजें ताकानो उसे देता है। तब रिसु ताकानो को गुस्से से कहता है तुम कुछ भी कर लो मैं कभी भी तुमसे अपना लव कन्फेस नहीं करने वाला, अगर मैं तुमसे प्यार कर भी बैठा तब भी। तो ताकानो उसे कहता है ये इम्पॉसिबल है। और फिर से रिसु सोचता है कि ये प्यार नहीं है। और एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।